प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आपको ले आए हैं अलीगढ़ का वह इदारा जहां से पढ़कर के लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और उपराष्ट्रपति तक बने, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो आज हम खड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में और हम वहाँ के जो छात्र नेता हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये विधानसभा चुनाव हैं 2022 के, वह किस करवट बैठेंगे। जी आपका नाम? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब जी, जो विधानसभा चुनाव 2022 जो चल रहे हैं, इसमें आप जो सरकार है, कैसी सरकार चाहेंगे? एक ऐसी सरकार जो है रोजगार पर बात करें, जो सुरक्षा पे बात करें, जो बलात्कारियों को संरक्षण ना दे, बल्कि बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी सरकार चाहिए हमको। जो पुलिस प्रशासन है वो हद में रहकर काम करे, ऐसा नहीं कि किसी को लेकर जा रहे हैं गाड़ी पलटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए हमको। हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो मेडिकल पे बात करे, जो लाशें तैरती हुई नज़र ना आए हमको। एक ऐसी सरकार हमको चाहिए जो शिक्षा पे बात करे, सबको शिक्षा दे। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कहे कि 2 करोड़ नौकरी हम तुमको हर साल देंगे, उसके बाद वो 2 करोड़ छोड़ो, 2 नौकरी तक नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद वो यूपी टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो लीक हो रहे हैं। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। आप डाटा निकालेंगे तो पता चलेगा 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं यूपी के अंदर 1 साल के अंदर। तो हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए ना। हमको सरकार चाहिए जो शिक्षा पर बात करे, जो सुरक्षा पर बात करे, जो दवाई पर बात करे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी सरकार चाहिए जो जिसमें बलात्कार ना होते हो, ऐसी सरकार जिसमें अपराध ना होते हैं। आप जैसा कि देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से लेकर अब तक कई सरकारें रहीं, तो क्या उन सरकारों में अपराध नहीं हुए? क्योंकि सभी तरीके अगर आप आंकड़ा देखें तो उसमें बलात्कार भी हुआ, उसमें लूट भी हुई, डकैती भी हुई, मर्डर भी हुए। तो ऐसी सरकार कैसे आ सकती है कोई के जिसमें कि ये ना हो? नहीं, बिल्कुल आ सकती है अगर एक विचारधारा पे लेकर सरकार चले, उसकी विचारधारा ऐसी हो जो इन सब पे काम करे, जो करप्शन के खिलाफ काम करे। आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर, उसकी नसों के अंदर करप्शन भरा हुआ है। अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में वो पैसे कहीं ना कहीं देता है। अब आप देखें कि एक गृह मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है, पुलिस उसे बचाती फिर रही है, तो कहीं ना कहीं करप्शन है ना। वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी सरकार हो जो विचारधारा पे अपने लेके चले। बगैर विचारधारा की अगर चलेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार आ जाए। और पिछले आप रिकॉर्ड देख लिए, ऐसा नहीं है कि इसी में बलात्कार हुए हों, इससे पहले ही बलात्कार होते आ रहे हैं। बलात्कार पे कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि एक ऐसी सरकार नहीं बन पा रही है जो महिला सुरक्षा पे हकीकत में काम करे। तो क्या ये जो बलात्कार या कोई भी अपराध होता है, क्या इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार होती है या आदमी का खुद जहन इसके लिए जिम्मेदार होता है? क्योंकि कोई एक CM आकर के तो ये नहीं कहेगा कि आप बलात्कार कीजिए या कि ये वाला अपराध कीजिए। एक बलात्कार में सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार रही है, ठीक है, उसमें हम तुम भी जिम्मेदार है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं उसके घर वाले। एक बच्चे को जब माँ बाप पालते हैं तो वो उसकी हरकतें सब समझ जाते हैं, वो उसे तब नहीं रोकते। फिर ऊपर उसके बाहर निकलने के बाद उसके आसपास रहने वाले लोग जो है उसे नहीं टोकते। फिर उसके बाद अगर बलात्कार हो जाता है तो पुलिस वाले उसको जो है संरक्षण देते हैं पैसों के एवज में आके। आपने ये चीज़ देखी भी होगी, आप रिपोर्टर हैं, आपने कई जगह देखा भी होगा कि कैसे पुलिस वाले जो है आधी रात को लाश जला दे रहे हैं ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो एक खास जात के लोगों को बचाने के लिए, खास तबके के लोगों को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना सरकारी उससे, तो ये तो सब वही हुआ ना कि मतलब कि उसमें बलात्कार में सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सरकार जिम्मेदार है, मतलब सिर्फ सरकार तो नहीं। आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो कि अपराध को कंट्रोल कर सके? बिल्कुल, एक ऐसी सरकार हो जो अपराध को कंट्रोल करे, जो शिक्षा को बढ़ावा दे, जो रोजगार को बढ़ावा दे। ऐसी सरकार ना आए जो रोजगार खत्म कर दे, जो घरों के अंदर लोगों को कैद कर दे, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो अब हम पूछेंगे आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजा है। राजा जी, जो 2022 के चुनाव हैं, इस 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो पार्टियां आ रही हैं, परंतु वो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, पॉलिटिकल हैं, तो क्या मुद्दे होने चाहिए जो कि आम जनता से जुड़े हों? देखिए, देश की जो सबसे बड़ी आबादी है किसान, जो सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करेगी, क्योंकि आज हम यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं और यहाँ से जो भी पढ़ के गए हैं, ज़्यादातर किसानों की औलाद है और हम भी सब किसानों की औलाद हैं। तो जो किसानों की बात नहीं करेगा, जो किसानों के अधिकारों की बात नहीं करेगा, जो किसानों की सुरक्षा नहीं देगा, उनको हम और यहाँ की आवाम कभी वोट नहीं करेगी। क्योंकि कभी तो किसानों को खालिस्तानी बोल दिया गया, कभी उनको पाकिस्तानी बोला गया, कभी आतंकवादी बोला गया, और जब एक किसान के बेटे ने चिलम पीने वाले को चिलम जी भी बोल दिया तो मुकदमा लिखवा दिया। तो आप तो विश्व गुरु बनाने आए थे, आपके अंदर तो 56 इंच का सीना था, बस इतनी बात से डर गए।
इसका मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी उनकी सच्चाई बयां करने के लिए उठे ही नहीं, उससे पहले उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि आज जो छात्र हैं ये यहाँ से पढ़ेंगे तभी तो सवाल करेंगे, अगर हम पढ़े लिखे ना होते यहाँ पर तो सवाल ही नहीं होता। और उनको इस बात से डर है कि आने वाली जो यंग जनरेशन है वो अगर पढ़ेगी तो वो सवाल दागेगी, इसलिए उसी का एक कारण है कि विश्वविद्यालय उन्होंने बंद किया हुआ है। और आप अगर करेंगे इनकी विचारधारा की बात, तो आरएसएस का जो विचारधारा थी जो 1924 में बन के आई, 2024 होने वाला है, 100 साल होने वाली है, तो उस विचारधारा के तहत जो उन्होंने सरकार चलाई वो अपनी विचारधारा में सक्सेस हुए हैं। जिस मकसद से उन्होंने अपना उस वक्त सावरकर गोलवरकर ने जो कहा था वो कहानी पूरी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सब गोपनीय चीज़ थी, ये सब लिखित में था कि देश की जनता नहीं जानती, कि इंटेलेक्चुअल समाज नहीं जानता कि उन्होंने अपने उस वक्त के ऐलान किए थे, वो राष्ट्र ध्वज को नहीं मानते थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन फिर भी अवाम ने उनको 2014 में वोट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की थी। अब अवाम ने क्या समझा कि गुजरात मॉडल तो विकास वाला मॉडल होगा, लेकिन अवाम बहक गई। वो कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे? वो 2002 के गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। बहुसंख्यक समाज ने इसलिए उनको वोट दिया कि ठीक है चलो अगर 2002 वाला गुजरात मॉडल होगा तो कुछ चीज़ों पे हमारा अधिकार बन जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। आप मुसलमान तो बहुत कम आबादी है देश में, एक छोटी सी आबादी को तबाह करने के लिए आपने पूरे देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब क्या बचा है? अब तो हम कर्ज में डूबे ना, हर आदमी पर लाखों करोड़ों रुपये का कर्ज है, कैसे उससे छुटकारा मिलेगा? और फिर बात आती है अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक के खिलाफ तो सरकार पहले से ही रही है। 2014 के बाद में कितने ऐसे इंसिडेंट जो अल्पसंख्यक के खिलाफ हुए, हाथरस वाला इंसिडेंट सबके सामने है, एक बेटी को रातों रात जो है जला दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। रोटी कपड़ा मकान की बात आती है, एक बेसिक नीड है एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, सरकार उसको भी जिम्मेदार नहीं समझ रही है। डबल पॉलिसी गेम है मुसलमानों के खिलाफ बोलना और एक समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, अब ये चीज़ नहीं चलने वाली। क्योंकि प्रदेश की आवाम समझ रही है किसानों के मुद्दे, बेरोजगार लोगों के मुद्दे, एजुकेशन, तमाम अहम मुद्दे हैं, इन पर सरकार जो है बनेगी, जो भी सरकार बनेगी बेहतर बनेगी। किसानों की बात करें तो मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आपको कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है इन विधानसभा चुनाव में जो कि उनके मुद्दों को उन्होंने रखा है? जैसा कि मैंने देखा है विश्लेषण में कि मुस्लिम समाज का शायद कोई मुद्दा मुश्किल से नहीं रखा गया, ज़्यादातर वही रखे गए हैं कि ये इतना फ्री देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम तो मुस्लिम समाज का कुछ भी मुद्दा नहीं रखा। फिर आप किस पार्टी की ओर जाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस सरकार ने की, किस प्रधानमंत्री ने की, जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाया वो मुसलमानों के बारे में बेहतर सोचते होंगे। और देखिए, अभी जो अलग अलग रीजनल पार्टी हैं सब ने मुसलमानों को टिकट भी दिए हैं, कुछ पार्टी दे भी रही हैं। और ओवैसी साहब के आने से, ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और जो पार्टी हैं वो भी मुसलमानों के हिस्सेदारी दे रही हैं, उनको टिकट दे रही हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनसे बोला जा रहा है, वो लड़ रहे हैं। कुछ पार्टियाँ ऐसी थी जिनसे मुसलमानों को ये कहा गया था कि आप हमारी पार्टी के गाइडलाइन के तहत ही चलेंगे, आप हमारी पार्टी गाइडलाइन से हटके बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पार्टियाँ ऐसी भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो फुल अधिकार दिए हुए हैं कि आप अपने कम्युनिटी के लिए बेहतर काम करिए। एक नेता वही तो होगा जो अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर पाएगा और दूसरी कम्युनिटी के बारे में भी अच्छा सोच पाएगा। तो ऐसी सरकारें भी हैं, अलायंस है, बड़ा अलायंस है उत्तर प्रदेश में, जो किसानों के हित की बात कर रहा है, जो मुसलमानों के हित की बात कर रहा है, जो सर्व समाज को लेने की बात कर रहा है, सरकार उसी की। यानी कि सत्ताधारी पार्टी नहीं है? सत्ताधारी पार्टी नहीं है, जो बड़ा गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है। तो अब हम ले आए हैं जी, आपका नाम? सलमान गौरी। सलमान गौरी जी, सलमान गौरी जी, जो 2022 के चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप कैसी सरकार चाहेंगे कि वह सरकार आपका प्रतिनिधित्व करे? सरकार वही हो जो बेरोजगारी पे बात करे और जो हमारे मुद्दों से जुड़े, यानी CA NRC सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों के वजूद की बात है। और अभी तक कोई भी पार्टी, जो सबसे बड़ा गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी, या तो दूसरी और पार्टियां हैं, RLD है, दूसरी तमाम पार्टियां जो मुसलमानों के मुद्दे से बहुत दूर हैं, ये मुसलमानों के साथ ऐसे ही हैं जैसे हम लोग बेवा माल की तरह उनके इस्तेमाल हो जाएं, बस उनको अपना वोट बेवाओं की तरह दे दें, लेकिन वो हमारे इशूज़ पे बात नहीं करेंगे। ये लगता है कि CA NRC अब मुसलमानों की वजूद की बात है, मुसलमान अब खुद समझे और अपने हक के लिए खुद लड़े। और इसी यूनिवर्सिटी के लिए तमाम चीज़ें जब कही गई तो कोई भी एक बंदा भी नहीं, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल जो सोकाल्ड सेकुलर हैं, अपने आप को बताते, कोई भी एक बंदा नहीं खड़ा हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को 15 दिसंबर की रात में मारा गया,
हॉस्टलों के अंदर घुस घुस के मारा गया, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता, बीजेपी छोड़ो, बीजेपी तो गैर थी ही, समाजवादी हो, IRLD हो, दी कांग्रेस हो, इन सब के जहनों में गुलामी बसी हुई है कि सिर्फ हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करते रहेंगे। लेकिन अब वजूद की बात आई है, तो अब मुसलमान जो एक गठबंधन कल हम लोग को नज़र आया है, उस गठबंधन के साथ हम सब जाने की ख्वाहिशमंद हैं कि अगर वो गठबंधन कामयाब होता है, और हमको लगता है कि अब तीसरा फ्रंट बन चुका है, और इस तीसरे फ्रंट पे हम मुसलमानों को जाना चाहिए, दलित समाज को भी जाना चाहिए, और इसी तरीके से जो भी पसमानदा है, जो भी मजलूम है, हर मजलूम की आवाज़ बनेगी। जिस तरीके से वहाँ पर क्या नाम, 3 कास्ट के लोग बैठे हुए थे, और उसमें CM की बात भी हुई और डिप्टी CM की बात हुई, तो हमको लगता है एक नया नज़रिया पेश कर दिया गया है। अब हिंदुस्तान की आवाम, खासकर की UP की आवाम को चाहिए उस गठबंधन के साथ होना चाहिए। तो क्या वो गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्या मुस्लिम के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है? बस यही तो बात है। लग रहा है कि शायद वो उनके भी वही सब वायदे हैं कि ये आएगी तो ये होगा, ये करेंगे, परंतु मुस्लिम समाज का जो मेन मुद्दे हैं उनमें से तो शायद कोई भी नहीं उठाए। फिर उस गठबंधन के बाद साथ आप जाने की क्यों कह रहे हैं? नहीं, बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी CNRC पे मुसलमानों का खुल के सपोर्ट किया था, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी पार्लियामेंट में भी, बाहर भी उन्होंने सपोर्ट किया था मुसलमानों का, और खुलकर उन्होंने उसका विरोध भी किया। यहाँ तक कि एक मैं वीडियो देखा था कि उसमें उन्होंने जब बिल पास हुआ उसमें उन्होंने फाड़ के फेंक भी दिया। तो लगता है कि अब हमको क़यादत की बहुत ज़रूरत है। अगर मुसलमान अपनी क़यादत की तरफ नहीं जाएगा तो उसके लिए मुश्किलें ऐसे ही आएंगी जो CNRC के, यानी हमने वोट पहले कांग्रेस को किया, कांग्रेस पर भरोसा जताया, उसके बाद समाजवादी पर जताया, तो ये जब हमारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं कहीं नहीं नज़र आते हैं। अगर मुसलमान एक तरफ मारा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसके घरों पर अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, ना प्रियंका गांधी जाती है, ना राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन उसी के बरक्स अगर किसी ब्राह्मण समाज से हो या दलित समाज से हो, वहाँ पर ये दौड़े हुए जाते हैं और वहाँ पर चेक देंगे 50,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का। लेकिन अगर वही लफ्ज़ मुसलमान अगर आ जाता है, लफ्ज़ उर्दू आ जाता है, तो वहाँ इनकी ज़ुबानें खामोश हो जाती हैं, कि हाथ पैर रुक जाते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमानों की हम बात करके ये जो RSS की विचारधारा, इसे हम दूर हो जाएं। ये चाहते हैं कि हम RSS से जुड़े हुए रहें। तो RSS की विचारधारा इस मरतबा, जहाँ तक हमको लगता है, अब इस मरतबा टूटने वाला है। और ये जो गठबंधन कल हमको दिखा, और हमको ये एक शक्तिशाली गठबंधन दिखा है, और उम्मीद है कि ये जो तीसरा फ्रंट बना हुआ है, इसी को सरकार आवाम एक्सेप्ट कर सकती है। और हम तमाम UP के मुसलमानों से, दलित से, और तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसी पर ध्यान दें। अब ये दोगलापन, जो दोगली सरकारें हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता हमको मिल गया है, हमको यहीं पर अब आ जाना चाहिए। तो अब हम ले आए जी, आपका नाम? मेरा नाम वारिस है। वारिस है, जैसा कि आपके एक MU कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो MU कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अभी निर्णय लिया था कि कुछ जो मुस्लिम मुद्दे हैं उनको लेकर के वह जिला स्तर पर और नेशनल स्तर पर सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उनमें आपके मुस्लिम समाज के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको कि आप सामने लाना चाह रहे हैं? देखिए, ये 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। जैसे कि पिछली सरकारें जो मुसलमानों के साथ पक्षपाती रवैया अपनाती रही हैं, उनसे तो मुसलमान खफा है ही है, उनके साथ उनसे भी खफा हैं जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया, इन्हें सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हम कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, मुसलमानों के वोट से ही वो CM बनते हैं, पर आज मुसलमानों के मुद्दे पर भी उनका मुँह चुप है, उनसे भी मुसलमान साहब चुप हैं। इसको लेके MU कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्टेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये 15 पॉइंट हम लोग इसमें जो है एक 15 पॉइंट का वो एक कौन कौन से हैं कुछ संक्षेप में बताएं। 15 मुद्दे निकल के बाहर आए हैं। एक सबसे पहला एक है कम्युनल वायलेंस बिल उत्तर प्रदेश में पास होना चाहिए। जैसे कि तमाम लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, धार्मिक रूप से उन्हें देखकर उन्हें मार दिया जाता है मौत के द्वारा, उसको लेके एक सख्त कानून पास होना चाहिए, जो कम्युनल बिल वायलेंस पास हो। और दूसरा ये है CNRC कि मैं मुसलमानों के साथ जो खड़ा रहेगा मुसलमान उसे वोट देंगे, और स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। तमाम मुसलमान धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली भी पिछड़े हैं, इसमें स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू हो। और इसमें और हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाना चाहिए, ये भी मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में IIT पॉलिटेक्निक जैसे कॉलेज खोले जाने चाहिए, जो माइनॉरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पाने वाले स्कूल और कॉलेज में ड्रॉप आउट शिक्षा का मतलब उनके लिए अनुदान दिया जाए, शिक्षा जारी रख सकें।
तीसरा है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र बुनियादी ढांचे सार्वजनिक सुविधाओं का विकास होना चाहिए। जैसे कि तमाम अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं जिसमें कि सच्चर कमेटी हमको ये बताती है कि मुस्लिम समुदाय में स्वास्थ्य की कमी से भी मुस्लिम समुदाय बहुत मतलब पीछे है। तमाम माइनॉरिटी एरिया जो हैं वहाँ अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, इसमें भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय उसके साथ है जो इन मुद्दों को फुलफिल करेगा। तो जैसा कि आपने ये कुछ मुद्दे बताए और जो घोषणा पत्र इस समय लगातार जारी हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, तो मुझे तो शायद इन मुद्दों में से कोई भी मुद्दा उसमें नज़र नहीं आता नहीं, है तो फिर आप फिर किस तरफ जाएंगे? अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपना मैनिफेस्टो कोई जारी नहीं किया, उसमें कोई भी अभी मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। तमाम इलेक्शन जज्बाती तौर पर वो पार्टियाँ लड़ रही हैं अपनी स्पीच दे के, या तमाम किसी भी मैनिफेस्टो में मुसलमान का नाम ही नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान को एकदम ऐसे निकाल के फेंक दिया गया है। पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि बना दिया गया पूरा देश, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान के नाम लेने से ही लोग, जो सोकल्ड सेकुलर पार्टियाँ थी वो भी आज कन्नी काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अभी अपना मैनिफेस्टो कल जारी किया, उसमें मुसलमानों की ये सबसे जो बड़ा मुद्दा से ये NRC है और उर्दू दूसरी जुबान होना, इसी तरीके से कांग्रेस ने भी लॉन्च किया, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों से बहुत दूर है। दूर क्या, मुसलमानों को बिल्कुल दूर ही रख दिया है, मुसलमानों के मसाइल से उनको कोई मतलब नहीं। और इसीलिए कहा जा रहा है ये जो तमाम मुद्दे अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से गिनाया गया है, इन मुद्दों को जो भी इशू बनाएगा उन्हीं के साथ हम सब रहेंगे। तो अब ले चलते हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम यासिर अख्तर है। यासिर जी, जो 2022 के चुनाव हो रहे हैं, 2022 के चुनावों में जो आपने अभी तक देखा कि मुस्लिम समाज के जो जो मुद्दे हैं वो शायद मेरे अंदाज से किसी के मैनिफेस्टो में या किसी के वायदों में अभी तक शामिल नहीं है, तो फिर आप किस तरफ 2022 की ओर जाएंगे, किस सियासत की ओर तरफ जाएंगे? देखिए, हमने स्टेट लेवल की मीटिंग की, ऑर्गेनाइज की, और अलीगढ़ में तमाम स्टूडेंट्स की मीटिंग हुई, तो हमने उसमें 15 पॉइंट्स का रेजोल्यूशन पास करवाया और हमने डिसाइड किया है कि हम तमाम नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं उनको भेजेंगे और उनके सामने हम अपने मैनिफेस्टो रखेंगे। उनसे हमारा डिमांड होगा कि हम उनको ये कहें कि हम अपना हमारा मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। ये 15 पॉइंट्स हमारे साथ मौजूद है, इसमें एंटी वायलेंस बिल भी है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेस को कुछ डेवलपमेंट के लिए देना भी है। तो जाहिर बात यह है कि क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद जो सिनेरियो बदला है, एक नफरत का सिनेरियो पैदा हुआ है और जो सरकार अभी आई है और इस सरकार में जो एक नफरत की दीवार खड़ी की गई है और ये दीवार इतनी लंबी इतनी चौड़ी हो गई है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश को घेर लिया है। और इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो थी, जो चाहती थी कि मुसलमानों की बात करती थी पहले ऑन द वोटिंग अकाउंट पे, वोट लेने के लिए, वोटर्स बनाने के लिए, अब उनको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो ये हमारे कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? इसी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसने एक नफरत की दीवार खड़ी की है, जो जिसके वजह से एक मुस्लिम और हिंदू का दरमियान एक बहुत बड़ा पार्ट खड़ा हो गया है। बस यही रीज़न है इसकी वजह से मुसलमानों का नाम नहीं लिया जाता, कोई इशू डिस्कस नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि मंच से मुसलमानों को धक्का दे दिया जाता है, उनकी ये औकात रहेगी मुसलमानों की, आप सरकार तो मुसलमानों के वोट से बनाएंगे, 20% मुस्लिम है और एक बड़ी माइनॉरिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बड़ा हिस्सा रखता है, और आप जाहिर बात है जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार बनेगी, उनको ये यकीन है कि मुसलमान का वोट हमारे पास आएगा, मुसलमान के वोट से ही हम सरकार बनाएंगे, लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ इतना ख़राब रवैया ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम देखेंगे इस पार्टी में, हम ये कह रहे हैं कि हम अपील भी कर रहे हैं लोगों से, सोचिए समझिए और उनको वोट दीजिए जो आपके मुद्दे की बात करता है, जो आपको इशू की बात करता है। अब थर्ड पॉइंट भी बन गया वैसे साहब की पार्टी को, अब जो मुसलमानों की बात करेगा, जो माइनॉरिटीज़ की बात करेगा, जो दलित की बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे, उसको जिताएंगे, उसे सरकार बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि जो विधानसभा चुनाव है 2022 के, इसमें जैसा कि आपने भी कहा कि कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, अगर जैसे वोटिंग के टाइम तक अगर किसी ने भी अगर मुस्लिम समाज के किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत नहीं की, तो क्या आप जो एक विकल्प होता है नोटा का, उसका भी इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं? थर्ड फ्रंट बन गया है, और थर्ड फ्रंट भी अगर नहीं करता है बात, अगर थर्ड फ्रंट, क्योंकि थर्ड फ्रंट तो हमने देखा है ना, से पहले हमने देखा है मुसलमानों की बात करते हुए देखा है, हमने CNRC के मौके पर देखा है, हमने मऊ लिंचिंग पे देखा है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है, हमें इससे उम्मीद है कि ये बात करेगी, इसका ये जो मैनिफेस्टो होगा, इसका मैनिफेस्टो में मुसलमानों के इशूज शामिल होंगे, हमें यकीन है इंशाल्लाह इस बात पे हम कायम। तो आपने देखा कि मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं
उनको लेकर के इनके दिल पर बड़ा आघात है इस बात का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके मुद्दों को प्राथमिकता से नहीं उठा रही है, और इसको लेकर के अब ये जब वोटिंग होगी उस समय ये जो वर्तमान सरकार है उसकी तरफ जाएंगे या कोई नया विकल्प तलाशेंगे, तो ये देखेंगे हम वोटिंग के समय तक। आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।